8:11, chapter number 9, physical optics. My dear students, Albert A. Michelson in 1881 में इसने एक कंसेप्ट दिया. इससे पहले आपने इंटरफेरेंस का, इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताया ना. इस चैप्टर में इंटरफेरेंस इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व. अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट ए माइकलसन ने मेयरमेंट का एक प्रिसीजन, एक एक्यूरेसी दी, और वो एक्यूरेसी नियर अबाउट टू बी 10^-4 मिलीमीटर तक है. दैट इज टू एक्यूरेटेड. अ डिवाइस विच इज यूज टू मेयर द डिस्टेंस विद द एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन. कौन सा डिस्टेंस? जिसको हम कहते हैं कि वो पैटर्न जो है वो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, ब्राइट है, डार्क है. इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस. डिस्टेंस यहां पे हम चूंकि वेवलेंथ को ले रहे हैं कि उसकी कौन सी वेवलेंथ होगी जिसपे एग्जैक्ट उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं. इसके लिए इसने एक प्रिंसिपल यूज किया है. मैं आता हूं फिगर में बाद में. इट स्प्लिट्स अ लाइट बीम. कौन सी बीम है? लाइट बीम कौन सी है? मोनोक्रोमेटिक लाइट. कौन सी है? इट्स बिकम्स टू बी ये सोर्स ऑफ लाइट है. माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं. मोनोक्रोमेटिक है ये, ठीक है? मोनोक्रोमेटिक हैविंग सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन. मोनो मीन वन, उसमें कोई और चीज ऐड नहीं होती. इट स्प्लिट्स अप अ लाइट बीम इनटू टू पार्ट्स. कैसे टू पार्ट्स है? कंस्ट्रक्शन में सारी बताऊंगा मैं. एंड देन रिकम्बाइन टू फॉर्म अ इंटरफेरेंस. पिछले टॉपिक में भी मैंने आपको बड़ा डिटेल से बताया था कि इंटरफेरेंस के लिए टू वेव्स का होना जरूरी है, क्योंकि इंटरफेरेंस कभी कंस्ट्रक्टिव है, कभी डिस्ट्रक्टिव है. दैट इज अ पॉइंट. रिकम्बाइन जब होते हैं देन फॉर्म अ इंटरफेरेंस पैटर्न आफ्टर दे ट्रेवल्ड इन अ डिफरेंट पाथ्स. अभी आया जरा इसकी कंस्ट्रक्शन पे. कंस्ट्रक्शन में मोनोक्रोमेटिक लाइट G1. माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो ग्लासेस हैं. एक का नाम G1 है, इसको हम कहते हैं सेमी सिल्वर्ड और हाफ सिल्वर्ड ग्लास. इस ग्लास को हमने हाफ पॉलिश किया हुआ है, हाफ ट्रांसपेरेंट है. दैट इज कॉल्ड सेमी सिल्वर्ड और हाफ सिल्वर्ड. मोनोक्रोमेटिक लाइट 1 हो गई कि लाइट यूज जो हो रही है वो एस सोर्स ऑफ लाइट फॉल कर रही है G1 पे. दैट इज सेमी सिल्वर्ड या हाफ सिल्वर्ड है. हाफ सिल्वर्ड से बराबर बताई मैंने, हाफ उसकी पॉलिश्ड है, हाफ ट्रांसपेरेंट है. पॉलिश से रिफ्लेक्ट होगी, ट्रांसपेरेंट से पास हो जाएगी. ओके, दैट इज द पॉइंट. कंपनसेटर ग्लास, ये जो G2 है इसका कोई बहुत इफेक्टिव रोल नहीं है. ये सिर्फ उस रे ऑफ लाइट को कंपनसेट करने के लिए हमने G2 अप्लाई किया है. G2 मेन रोल किसका है? G1 का है, ठीक है? टू प्लेन मिरर्स हैं, M1, M2. दीज आर टू प्लेन मिरर्स. अच्छा, याद रखिएगा M2 मैंने यहां लिखा है फिक्स्ड मिरर है. यहां इसको हमने मूव नहीं करना. M2 मिरर इज फिक्स्ड वन. M1 इज मूवेबल, क्योंकि दोनों अगर मूव करेंगे तो फिर तो हमें अपना रिजल्ट नहीं मिल सकेगा. आपको पता है जो पैटर्न हमें मिलते हैं वो ब्राइट डार्क, ये हमें पैटर्न मिलते हैं ये आई साइड ऑब्जर्वर पे. ये समझे कि जो दरमियान वाला ये ब्राइट है, ये जो मैंने कलर्ड किया ये डार्क है, ठीक है? इनका कंजेक्टिव डिस्टेंस मैंने बताया है कि वो अगर लैम्डा हो तो क्या हो जाता है? ब्राइट, ठीक है? हमने इसको ऐसे मूव करेंगे कि हम देखते हैं अभी क्या होता है. लेट्स सपोज मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्ड ऑन अ G1. ये कंस्ट्रक्शन समझ आ गई, प्रिंसिपल समझ आ गया, इंटरफेरोमीटर की डेफिनेशन समझ आ गई है कि ये डिवाइस क्या करता है. टू मेजर द डिस्टेंस प्रिसीजन, एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन में एक्यूरेसी देता है. वो एक्यूरेसी मैंने यहां पे लिखी है. दैट इज, इसको MCQ भी याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्यूरेसी 400 नैनोमीटर और 10^-4 मिलीमीटर. इस पे आता हूं मैं लास्ट में. पार्ट ऑफ इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड, इसको रे 1 कह रहा हूं मैं. ये M1 मिरर पे जाके फॉल करेगी. पार्ट इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्टेड, ट्रांसमिट हो जाती है, पास हो जाती है, ठीक है? ये रे 2 है जो पास हो गई है, ये जा रही है. ये कंपनसेटर ग्लास है, इसने सिर्फ कंपनसेट करना है. यहां से पास होके मिरर M2 पे जाके फॉल करेगी, देन बाउंस बैक. ये फॉल की तरफ जा रही है, ये बाउंस बैक की तरफ आ रही है. ये रे जा रही है, ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है. L1 इज द डिस्टेंस
फ्रॉम G1 टू M1, इसको हम L1 से डिनोट कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस जो M2 वाला है इसको L2 से डिनोट करें। ये एक फिगर वर्क है, इस फिगर को प्लीज अच्छे तरीके से डिजाइन कीजिएगा। पहले दो ग्लासेस ड्रा करें, मोनोमर लाइट की स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, इधर दो मिरर डिजाइन कर लें। फिगर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं आपने लगाना। ओके, अभी जरा आए, आफ्टर रिफ्लेक्शन द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट आ गई, ये चुके सेमी सिल्वर्ड है, ये यहां से रिफ्लेक्ट होके सेकेंड। वेन दीज टू रेज रिकम्बाइन, जिस तरह बताया रिकम्बाइन ऑन अ ऑब्जर्वर और आई, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस। ये यहां पैटर्न तक तो आपको कोई मुश्किल नहीं है कि जब रे जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, M1 से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, M2 से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये तो कॉमन मैकेनिज्म है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ नहीं आ रही। अभी जो मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं कि माइकल ने क्या किया, माइकलसन ने क्या किया, उसने कहा कि इफ यू कैन मूव M1 लैम्डा बाय 2, अगर हम इसको लैम्डा बाय 2 मूव करते हैं मिरर को, अच्छा देखिएगा पाथ लैम्डा 2 जाने में, लैम्डा 2 आने में, तो ये आपके पास वेव ने कितना रे ने डिस्टेंस कवर्ड किया, लैम्डा। अभी जब लैम्डा डिस्टेंस कवर्ड करेगी तो कहता है जब ये ऑब्जर्वर की तरफ आएगी तो ये कंप्लीट, इसको नाम रख लें ABC जो भी है, ठीक है, तो ये पैटर्न कंप्लीट ब्राइट वाला आपको नजर आएगा क्योंकि कंप्लीट ए टू बी की तरफ जो है ना वो फ्रिंग मूव कर रही है, ठीक है। तो लैम्डा पाथ डिफरेंस आ गया है, मैंने बताया था कंप्लीट इंटेग्रल मल्टीपल है तो हमें ब्राइट फ्रिंग नजर आएगी, तो लिहाजा हमने मिरर को मूव कितना किया है, लैम्डा बाय 2, क्योंकि रे को लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस जाने में लगा है और लैम्डा बाय 2 आने में लगा है, तो टोटल डिस्टेंस उसको लगा है लैम्डा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसने जो लेंथ फाइंड की है इसको जरा देखिएगा, ये एक पॉइंट था, फिर उस तरीके से उसने बाकी काम करता रहा। ये एम जो है यहां पे इंटीग्रल मल्टीपल है, ये एम अगर 1 वैल्यू पुट करेगा तो ये वही पैटर्न, फिर 2 होगा तो सेकंड, 3 एंड सो ऑन, ये एम नंबर है, ठीक है। तो यहां से अगर वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें लैम्डा इज इक्वल 2l बाय m। इफ वी नो अबाउट l एंड m, अगर हमें l और m का पता चल जाए डिस्टेंस कि हमने कितना मूव किया है और m की वैल्यू वो 1 है, 2 टाइम मूव किया है, देन वी कैन इजिली फाइंड द वेवलेंथ एक्यूरेटली। अभी जो उसने लास्ट में ये पॉइंट बताया इसके, प्लीज इसको जरा एक दफा सुनिएगा, इसमें उसने क्या यूज किया है। उसने कहा है कि मोशन ऑफ मिरर M1 अगर लैम्डा बाय 4 हम मूव करते हैं, ये एक्यूरेट प्रिसीजन के लिए, और उसने लैम्डा बाय 4 मूव किया है मिरर M1, ठीक है, प्रोड्यूस अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन ब्राइटनेस एंड डार्क लैम्डा 400 नैनोमीटर और हम कह सकते हैं 10^-4 मिलीमीटर। ये देखिए इसको कन्वर्जन मुश्किल नहीं है, जब 400 आप इसको नैनो को उसमें लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज की, इसको 400 नैनोमीटर तो उसकी वेवलेंथ आ गई ना, प्रिसीजन क्या आएगी 100 नैनोमीटर और 10^ ये उसकी वेवलेंथ आ गई, ये उसकी हाई प्रिसीजन के लिए ये दो पॉइंट्स आ गए, ठीक है। जब आप नैनो की वैल्यू पुट करेंगे 10^-9 तो -9 + 2 -7 जब करोगे -3, देखिए माइनस यहां पे -9 10^+2 तो ये 10^-7 हो जाएगा, 10^-4 10^-3, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये आपकी वैल्यू वही आएगी, 10^-3 क्या होता है, 10^-3 मिली, 10^-3 क्या हो गया, ये मिली के फॉर्म में आ गया, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये MCQ याद रखना है, उसने लेंथ जो फाइंड की है, एक्यूरेसी जो डिस्टेंस फाइंड की है वो है 100 नैनोमीटर और 10^-4 मिलीमीटर। कब ये हमें एक्यूरेट प्रिसीजन मिलती है, जब उसने ये M1 को लैम्डा बाय 4 मूव किया है। ये इंफॉर्मेशन है, काइंडली आखिर में आपने ये इंफॉर्मेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ना भी लिखना चाहे तो टॉपिक की एक्यूरेसी आपने सिर्फ लेंथ कैसे फाइंड करेंगे और वेवलेंथ कैसे फाइंड होगी एल और एम की बेस पे, तो यहां तक आपका ये टॉपिक बेसिकली इंटरफेरेंस इज गोइंग टू बी ऑब्जर्व, और ये इंटरफेरेंस ब्राइट भी है, अगर पूरी अगर वेव करता है लैम्डा बाय टू तो लैम्डा, अगर ये ब्राइट से डॉर की तरफ जाता है,
अगर सपोज करें माय डियर स्टूडेंट्स, ये ब्राइट से डॉर की तरफ जाता है, ब्राइट से डॉर की तरफ जाता है, तो फिर कितना मूव करेगा? लैम्डा बाय 4. ओके, लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, ये जरा क्लियर करें. तो ये जब लैम्डा बाय 4 करेगा तो ये लैम्डा बाय 2 आ जाएगा. जब हाफ इंटीग्रल आता है तो क्या होता है? वो हाफ वेव मूव की है. तो हाफ वेव के लिए, हाफ वेव बताया था मैंने, डॉर के लिए है. तो जब ब्राइट टू डॉर के लिए मूव करेगा तो m1 को मूव करना लैम्डा बाय 4. जब ब्राइट टू ब्राइट मूव करेगा पूरी वेव, तो हम क्या करेंगे? m2 को कितना मूव करेंगे? लैम्डा बाय 2. ये छोटा सा कंसेप्ट है, बाकी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है. ये कंसेप्ट क्लियर करना है, अगर ब्राइट टू ब्राइट मूव करता है ऑब्जर्वर के पास, जब पूरी ब्राइट टू ब्राइट मूव करेगा पूरी वेव लेंथ आएगी, तो उसके लिए m1 को मूव करना पड़ेगा लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, क्योंकि वेव ने जाना भी है और उसने आना भी है, टू वे डिस्टेंस है, ठीक है, टू वे ट्रैफिक है. तो ये पूरा लैम्डा जब होता है तो वो एक कंप्लीट वेव होता है, वो कंप्लीट उसकी, जिस तरह मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट को छोटी छोटी बातें बताता रहता हूं मैं, ये कंप्लीट वेव आती है. कंप्लीट वेव आती है तो आपको पता है वो कंस्ट्रक्टिव है, पूरा इंटीग्रल वो कंस्ट्रक्टिव मीन ब्राइट है. अगर ये लैम्डा बाय 4 मूव करते हैं m1, तो लैम्डा बाय 4, ये मैंने बताया लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, ये लैम्डा बाय 2 है, हाफ इंटीग्रल आता है, तो ये ब्राइट टू डार्क, ठीक है. तो ये माय डियर स्टूडेंट्स, माइकलसन ने एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए उसने ये डिवाइस यूज किया, जिसको हम इंटरफेरोमीटर कहते हैं. और चूंकि ये माइकलसन ने किया है, इसलिए इसने अपने नाम से रखता है. अक्सर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो लोग बड़े ग्रेट थे, वो अपने बच्चों के नाम से नहीं रखते थे, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते थे कोई भी, वो अपने नाम से रखते थे. न्यूटन्स फार्मूला और एंड सो ऑन, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, अपने नाम से कॉन्स्टेंट होते थे, वो किसी के नाम से कॉन्स्टेंट नहीं रखते थे. स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज इसका. इसकी फिगर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कोई मुश्किल फिगर नहीं है. इसको एक दफा, क्योंकि इसमें भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ हाईलाइट कर देता हूं. M1, M2, G1, G2, ये दो ग्लासेस यूज किए हैं उसने, और ये दो मिरर यूज किए हैं. ये मिरर फिक्स्ड है, ये मूवेबल है. इसके मूवेबल होने से सारे का सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है, कभी ब्राइट और कभी डार्क. लेकिन ये न्यूमेरिकल में फॉर्मूला यूज होगा, L इज इक्वल टू एम लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2 से कतन डार की तरफ ना जाइएगा, क्योंकि लैम्डा बाय 2 मीन कि वो लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 वो एक कंप्लीट वेव देगा जो कि ब्राइट टू ब्राइट होगा, ठीक है. आई होप यू शुड अंडरस्टैंड. इफ यू फील एनी डिफिकल्टी कमेंट्स में बताइएगा मुझे. थैंक यू.